जब से ये शूज लिए जब से दूसरे पहनने का मन नहीं करता। वैसे नए मंगाए थे मैंने, आपने देखे होंगे पिछले व्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं रूबल धनखड़ व्लॉग। और मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए, लेकिन रात को कल दिन में लगवाई थी मैंने वैक्सीन सेकंड डोज जो मेरी डिले हो गई थी, और रात को क्या जबरदस्त फीवर हुआ है। पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ था, और मैं इस बार बोल रहा है कि कुछ नहीं होता है क्योंकि मुझे बाहर ट्रैवल करना लगवाई। रात को बड़ा तेज बुखार हुआ, अभी देखो उठ के कैसे मुंह सूजा हुआ है। बाल सेट करके सोए थे कि उठ के आराम से फ्रेश होके चले जाएंगे, लेकिन भैया बुखार हो गया पूरी तेज। अपनी गाड़ी के बहुत फायदे हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ अपना ट्रैवल करने के लिए। जिम बैग साथ में ले लिया है, वाटर ले लिया है, और ये मेरा सप्लीमेंट स्टैक आया था तो उसमें से भी निकाल के मैंने इसमें डाल लिया है, तो ये जरूरी है सबसे। थोड़ा फेस ना हुआ नहीं है सूज के, थोड़ा होती है ना सुबह, रात को 3 बजे सोया था 3:30, और फिर फीवर हो गया, और फिर अब चलने के नाम का रेडी हो चुका हूँ, तो थोड़ी सी है स्वेलिंग, हो जाएगी रास्ते में ठीक। बहुत लंबा रास्ता है तो मैं निकल लेता हूँ अभी, और फिर आपको आगे दिखाता रहूँगा क्या क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर है भैया। ह्यूमन बूटी, एनर्जी बूटी, कोई रेडबुल वगैरह उससे इसका कहीं सामना नहीं होता है, ये चाय और ब्रेड से। चाय जीवन बूटी। मेरे दोनों जमोरे सो रहे हैं। मैम ध्यान रखना, वैसे आप ध्यान रखते हो, आपको तो बोलने की जरूरत है नहीं। मेरे आप भी ध्यान से जाना, चाहे 2 मिनट लेट पहुंचो लेकिन जाना ठीक है। और मेरे शूज रख दिए दोनों, ऑल सेट ना मेरा सामान, ये वाले मैंने पहन लिए। कुछ बचा तो नहीं है बस, हमने यहाँ पे आग जलाई थी लकड़ियाँ, ठीक है। भी कह रही थी कि सब चीज रख दिया ऑल सेट, पर्स तो मेरा गाड़ी में पड़ा है। उस चीज का ध्यान आप रखते हो, पर्स कहाँ है, पैसे ही नहीं रहते। अभी पैसे मैडम से लेके आया हूँ, खुद ही नहीं पता आपका पर्स। पैसे मैडम से लेके आया मैम, थोड़े से पैसे दे दो। मालकिन तो यही है, मेरी गाड़ी है, आजकल साफ रहती है ना तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। ये सारी चीजें ये मेरी है, मेरे को ध्यान रखनी पड़ती है। ये वाइपर करो नीचे भैया, ये रखने के इसको इसको लेके मुझे दिखा रहे हो, मैंने रखने के लिए दिया था आपको ये। फिर ले राय से अभी मैडम से पैसे लेके आया उधार। ओ भैया मारना दियो मेरे को, उधार लेके आया, उधार लेके आया हूँ मैडम से पैसे की। मैडम थोड़े से पैसे दे दो आप मालकिन। एक जैकेट रहेगी भाई, कौन से वाली, वो ब्राउन वाली। आपने मेरे को सिर्फ ब्लैक बोला था। नहीं, और भी दे दे, अपनी गाड़ी है कितनी दे दे यार, सारी यूज कर दो। लेकिन ब्लैक बोला था आपने, ब्लैक भी, ब्लैक वो भी दे दे। वही रोड है जहाँ पे किसान बैठे थे, अभी झमाझम गाड़ी चल रही है, नहीं तो भाई साहब पहले पूरा घूम के जाना पड़ता है, और यहीं पे 1 घंटे का सफर तय हो जाता है। डीजल सबसे पहली परंपरा, डीजल को भरवाना। गाड़ी कहीं भी जाए, अभी चल चुकी है 18,000। अब देखते हैं गाड़ी चलाने का सबसे मेन उसूल क्या है, कि मैं 100 किलोमीटर का टारगेट लेके चलता हूँ मिनिमम, उसके बाद चाय पानी देखेंगे। तो अब यहाँ से 100 किलोमीटर पूरे 82 किलोमीटर का सफर तो होगा पूरा मजेदार, उसके बाद पता नहीं जाम है या नहीं है, क्योंकि मैं अब तो 3 साल बाद जा रहा हूँ जयपुर, 3 साल हो चुके हैं मुझे, और इस पे फेरी फेरल पे ना चलता कुछ भी पता। इन्वेंशन की है मैंने, खुद की इन्वेंशन है। अगर गाड़ी में आपने देखा होगा, एक तो सीट बेल्ट की बहुत आवाज आती है, मेरी गाड़ी में 2-3 मिनट तक आती रहती है पी पी पी, और एक दो आती है नोटिफिकेशन गाड़ी की ओवर स्पीड पे, 80 की स्पीड पे आती है और आती है 120 की स्पीड पे। देखो मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा इन्वेंशन किया। कल को मैं अगर प्रधानमंत्री, देखो अभी आई प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता बन जाऊ भाई, तुम भी बन सकते हो। मैं क्या करूंगा ना, मैं अगर ट्रांसपोर्ट मंत्री भी बना तो मैं एक नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि हर गाड़ी में एक हूटर लगेगा अंदर की तरफ, और जिसे अगर हटाया जाएगा उसमें GPS भी होगा, तो उसे 10 साल की सजा होगी। पर उसमें होगा क्या, अब ट्विस्ट यहाँ आता है कि उसके अंदर होगा क्या, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन में 2-2 की जगह आई गाली, अब अरे सीट बेल्ट लगा ले, सीट बेल्ट लगा ले, और हर बार अलग अलग आएगी, मतलब 5 से 10 गालियां उसे खुद चूज करनी पड़ेगी कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगेगी तो कौन कौन सी गाली आप खा सकते हो। दूसरा, ओवर स्पीड में 80 के बाद तेरी औकात से बाहर गाड़ी जा चुकी है, तेरी औकात से बाहर गाड़ी जा चुकी है, 1 सेकंड बोलेगा, 2 सेकंड बोलेगा, उसके बाद जब 120 के ऊपर होगा, अब अरे स्पीड कम कर ले, तेरी और मेरी दोनों बट जाएगी। सपोज करो उसमें एक क्लोज और होगा, अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो भी गाली खाएगा कैसे, अब तू तो मरेगा, बगल वाले की भी बट के हाथ में आएगी। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई रिलेटिव जा रहा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना तो ओवर स्पीड के चला करने की जरूरत है, और ना सीट बेल्ट की। पूरे 1 घंटे 40 मिनट के बाद मैंने कार रोकी, और आज क्यों नहीं रोकी थी,
क्योंकि इसका रीजन ये था, खाली पड़ा था रोड और हाईवे भी पूरा खाली था, कोई जाम वाम कुछ नहीं था। और हम आए हैं पूरे 210 किलोमीटर वो भी 1 घंटे 40 मिनट की बाइक। क्या गाड़ी चला दी ना, क्या गाड़ी चला दी। नहीं बहुत 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 बढ़िया, तो ब्लर हो गया, मैंने सिनेमैटिक में ले लिया, कोई बात नहीं। तो 140 मतलब 1 घंटा 40 मिनट में हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे द फूड स्ट्रीट कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा हो जाए। जूट्स बार खाना वाना देखा जाए पहले, भाई पहले आ रहा है सुसु। आप पहली बार आपकी चाय पी रहे हैं, कौन सी बढ़िया है? कौन सी बढ़िया है? हाँ अदरक चाय एंड मसाला चाय। अदरक चाय पिला दो। और खाने में कुछ हेल्दी तो होगा नहीं आपके पास? पनीर पकौड़े हैं मेरे पास। पकौड़े नहीं, ब्रेड पकौड़े नहीं है। नहीं यार कुछ सैंडविच वगैरह नहीं है? आलू टिक्की चाट भी हो सकता है। चाय ले लेंगे साथ में बिना शुगर के। और ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था अपने साथ में। मोबाइल नंबर दे। 921 से ऑर्डर की है। और खाना जो है हम खाएंगे दो से, जिसमें हेल्थी भी हो जाएगा और स्नैक्स भी हो जाएंगे। भाई ये ऐसा प्री वर्कआउट का काम करती है ना, मज़ा आ जाता है। और ये तो कुल लड़के तो बात ही कुछ और है। नहीं भैया बिल्कुल चेस हुई नहीं, हुई नहीं चे भंडे नहीं हुए भंडे चेस। चाय का मज़ा है ना ऐसी जगह पे, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हो कभी कभी ना, इसमें पत्थर वाले में पी के देखना भाई साहब, मिट्टी वाले में मजा आ जाएगा। पर ठंडी जल्दी होती है तो गरम गरम पी लेना भैया, कभी फिर कहो कि हाँ भैया यार तुम्हें बताई थी ठंडी चाय पीती है। स्पीड से हम चल रहे हैं ना, और जब आने के बाद गाड़ी ऐसे रुकती है ना तो बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर का पड़ता है। हॉर्न बजाओ तो साला हटते नहीं है, पूरी सड़क घेर के बैठे हुए बताए कि हाँ बस अब पहुंच गए। लेकिन भैया अभी भी बहुत दूर है। हम पहुंच चुके हैं जयपुर में, और जयपुर में अभी पिंक पीछे कलर आया था, लेकिन गाड़ी चलाते समय मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि आपको तो पता ही है ना मैं कितना सही से गाड़ी चलाने की कोशिश करता हूं। और आज जितना हो सकेगा आपको 3 दिन में मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। अभी होटल पहुंचने वाले हैं, मैरिट में रुकेंगे आज, अलग अलग जगह पे देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। लाइट भी बड़ी खूबसूरत है, अलग तरीके की। बाहर का व्यू क्या है, जयपुर सिटी। डाइट की माँ बहन लगने वाली है, पर कोई नहीं भाई देख लेंगे। और हम जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हम कोई भी चीज कहीं भी फेंक देते हैं, और ये हमारी बहुत पुरानी आदत है। ये हमने यहाँ फेंक खोल दिया, ये यहाँ खोल दिया, ऐसे इंडियंस में जा करें। और देखो जिस टेबल पे आदमी को बैठे काम करना होता है, हमारे पजामे भाई साहब ने यहाँ रख दिए, ओडी वहाँ, गर्म बनियान वहाँ। क्या तरीका यार तुम्हारा, कब सुधरोगे? टैक्सी मुड़ा तैयार है जिम की ओपनिंग के लिए, तो मैं एक बार बता देता हूँ, स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे भी ना, अभी तो ब्लॉग में है। मैं अभी कार्ड भूल गया, और कार्ड कर रहा हूँ, और यार दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं भूल गया अभी क्या बोलते हैं उसको, मास्क। तो मास्क लेने के लिए मैंने सौरभ को भेजा क्योंकि कार्ड उसी के पास था। मैं हमेशा कहीं ना कुछ भूल जाता हूँ। क्या नाम है भाई? कबीश। कबीश जिम आपका ही है? जी सर। स्वेटअप है जी सर। किस अमरापली सर्कल है? हाँ जी सर, याद हो गया। वैशाली नगर आइला, फैशन के चक्कर में बुरा लग जाएगा किसी दिन। ये वाला इतना हो गया गरीबी।
पहला व्लॉग यहीं तक रखते हैं। जयपुर में मजा आ गया पहले दिन, और अभी शाम को हम जाएंगे दूसरी जगह, तो देखना ना भूले। और आपको ये सीरीज अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें। इसके बाद हम दूसरी जगह का ट्रैवल शुरू करेंगे, लेकिन जयपुर के बहुत सारे व्लॉग बाकी है।